हेलो गाइस, यहाँ पर देख सकते हो मैं पूजा कर रही हूँ एंड पंडित जी मेरे साथ नहीं है। मेरी पहली तीज है, फिर भी क्या कर सकते हैं, अब जॉब ही तो इम्पोर्टेंट ही है ना। सो मुझे तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा पंडित जी के बिना। अच्छा लग रहा है बट उतना मन नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर आते तो मेरे साथ अच्छे से पूजा पाठ में मेरा हेल्प करते, पूजा पाठ में हेल्प करते, उनके साथ टाइम स्पेंड करती, बिकॉज पहली तीज थी मेरी। बट क्या ही कर सकते हैं, सो सैड, कोई बात नहीं, अच्छा है, जो भी है भगवान उनकी विश पूरी करे, बस यही चाहती हूँ। वीडियो कॉल पे बात किया मैंने। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनीत वर्ल्ड। कैसे हो आप सब गाइज, होप करती हूँ कि आप सब अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे। एंड सोनी तिवारी का न्यू वीडियो आ गया है, तो आज है हरितालिका तीज का व्रत, और आप सभी माताएं बहने जो भी हैं मेरी, उन सभी को हरितालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान महादेव माता पार्वती की कृपा आप सब पर ही बरकरार रहे। सो सुबह में तो मैंने नहा धोया के पूजा पाठ कर लिया है, अब शाम की जो मेन पूजा होता है वो पूजा करने की बारी है। तो अभी तो दोपहर के 2 बज रहे हैं और मैं दोबारा जा रही हूँ थोड़ा सा स्नान करने, बिकॉज शाम को अच्छे से पूजा करना है, उसके बाद देन मैं रेडी होऊंगी। सो मैं पूजा करूंगी, तो यहाँ पर तो कोई है ही नहीं कि वीडियो शूट करे। माता जी बोलूंगी थोड़ा सा वीडियो शूट कर दीजिए, उनसे अच्छे से नहीं हो पाता है, अब उनको उतना अच्छे से नहीं, फिर भी कर देती हैं थोड़ा बहुत वीडियो शूट। सो अगर पॉसिबल होगा तो मैं आप सबसे वो वीडियो शूट करेंगी, तो आप सबसे शेयर करूँगी। गाइस, यहाँ पर मैंने शंकर भगवान का फोटो ही स्थापित किया हुआ है, तो यहाँ पर अब मैं पूजा कर रही हूँ, अच्छे से शिव जी को जल दे रही हूँ और सब देवी देवता को जल चढ़ा रही हूँ, एंड देन मैं बाकी पूजा पाठ करूँगी। सो आप सब देख सकते हो मैंने सिंदूरा, जो सिंदूर वाला होता है सिंदूरदानी, वो भी पूजा में वहाँ पे भगवान के समक्ष रख दिया है, बिकॉज तीज त्यौहार में अपना जो सिंदूरा होता है उसका एक अलग ही महत्व होता है। सिंदूरा भगवान के पास रख कर ही पूजा करनी चाहिए, और ये सुहाग का व्रत है तो इसलिए सिंदूरा हमने यहाँ मंदिर में रख दिया है। एंड मैंने बोला माता जी से कि माता जी आप वीडियो शूट कर दीजिए और तब तक मैं यहाँ पे पूजा कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं अब चंदन चढ़ा रही हूँ और सिंदूर चढ़ा रही हूँ माता पार्वती जी का, और चंदन शंकर भगवान जी को मैंने चढ़ाया। माता जी भी बैठी थी, वीडियो शूट कर रही थी, उनसे उतने अच्छे से शूट नहीं हो पाता है, फिर भी कोशिश उन वो करती हैं कि मेरा वीडियो वो अच्छे से शूट कर पाए, और पूरे दिल और पूरी श्रद्धा और पूरी भक्ति के साथ ये व्रत करना चाहिए। जो भी सुहागिन महिलाएं जो ये तीज त्यौहार का व्रत रखती हैं उन्हें गाइस, माता पार्वती को चढ़ाने के लिए यहाँ पर मैंने सिंदूर बिंदी एंड चूड़ी रखा हुआ है, एक रुमाल भी रखा हुआ है। ये आप जो ये चढ़ाते हो माता पार्वती जी को गए तो ये खुद ही रखा जाता है, और अलग से दान करने की जो सामग्री है मैंने वहाँ पर रखा हुआ है, वो दान जो भी 16 श्रृंगार की सामग्रियाँ होती हैं वो हमें दान करनी चाहिए। और यहाँ पे गुजिया है, ये माता पार्वती और शिव जी को चढ़ाया जाता है तीज में, ये बहुत ही महत्व इसका होता है, ये ज़रूर ही चढ़ाना चाहिए। तीज का त्यौहार जो भी महिलाएं करती हैं उन्हें गुजिया चढ़ानी चाहिए। Thank you.
शंकर भगवान और माता पार्वती, गणेश भगवान सब देवी देवता के पूजा करने के बाद से हम लोग यहाँ पे कुछ रेस्ट करने के, थोड़ी देर रेस्ट किया हमने एंड देन हम लोग मंदिर आ गए मैं और माता जी, क्योंकि पहला मेरा हरितालिका तीज का व्रत था एंड मंदिर तो जाना ज़रूरी था ना, क्योंकि मंदिर में भी भगवान का आशीर्वाद लेना ज़रूरी होता है। यहाँ पर दर्शन करना था शंकर भगवान का, यहाँ पर मैं मंदिर आ गई माता जी के साथ। तो यहाँ पर वो बोलिए आप सब गाइस कि मीन्स आप सब सोचिए ये कि मंदिर में भीड़ नहीं थी, आप सभी सोच रहे होंगे कि अकेले पूजा कर रही हूँ। हाँ, बहुत अच्छा लगा इस बात से, बिकॉज शाम हो गई थी, सब लोग पूजा करके चले गए थे, हम लोग सबसे बाद में गए थे, इसलिए मंदिर में भीड़ नहीं थी, आराम से मैं पूजा कर पा रही थी। इतना हरासमेंट हो गया था, मैं थक गई थी, बट पूजा मैंने पूरे दिल से पूरे श्रद्धा भक्ति के साथ किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। मेरी पहली तीज है तो ऑफकोर्स मुझे अच्छा तो लगेगा ही, जिसके लिए मैं इतने दिनों से एक्साइटेड थी कि कब तीज का व्रत आए और कब मैं तीज का व्रत करूँ। और ये निर्जल जो व्रत होता है जो महिलाएँ रखती हैं, मुझे भी बिल्कुल भी मुझे ना भूख प्यास कुछ नहीं लगा, मीन्स अगर मैं व्रत की हूँ तो पूरी तरह से पूरी भगवान को समर्पित कर अपने पति के सुहाग की लंबी उम्र के लिए, अपने पति की लंबी उम्र कामना के लिए मैंने व्रत किया कि वो हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, उनकी हर विश पूरी हो, भगवान उन्हें स्वस्थ जिंदगी एंड लंबी उम्र दे। यही प्रार्थना कर रही थी भगवान से, अपने पिता, अपने महादेव माता पार्वती से। एंड मैं क्या ही बोलूँ गाइज, मेरा कोई फ़ोटोशूट भी नहीं हो पाया, बिकॉज फ़ोटोशूट करने वाला घर पे कोई था ही नहीं, माता जी से फ़ोटोशूट अच्छे से नहीं हो पा रहा था। इस बात को लेके मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, बट क्या ही कर सकते हैं, कोई बात नहीं, अच्छे से पूजा हो गया, मेरे लिए बस यही काफ़ी है। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो अच्छी।